मैया कद्दू का भाव? मैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछा तो कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमऊ एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। डॉक्टर साहब, मैं सुबह 5 बजे सुसु कर लेता हूँ और सुबह 6 बजे लेटरिंग कर लेता हूँ। हाँ तो दिक्कत ही क्या है, सब कुछ तो ठीक है। हाँ तो मैं सो के 8 बजे उठता हूँ ना। अरे यार मुझे सीधा कर दो, घर में कलेश हो जाएगा, परिवार में तनाव बढ़ जाएगा, रिश्तों में दरार आ जाएगी। सीधा नहीं कर रहे तो कम से कम कैंची चलाने लग जाओ ताकि मैं इल्जाम उसके साथ शेयर कर सकूं। कर दो ना यार सीधा। डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, आप मेरा फ्री में इलाज कर दो, मैं कभी आपका फ्री में काम कर दूंगा। ऐसा कौन सा काम करते हो? डॉक्टर साहब मैं शमशान घाट पे लाशें जलाता हूँ। दादा आपके गांव में कौन कौन सी परेशानियां हैं? बेटा हमारे गांव में पानी बिजली तो है लेकिन एक शमशान घाट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा एक शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। ठीक है इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट बनवा दूंगा। का हो चिंटू भैया, हम सुने हैं कि कल तुम शादी में फिर से पिट के आए हो। अब का बताएं भैया, यार किस्मत में पिटना ही लिखा है। क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? यार वहाँ मैं गया था, वहाँ जाते ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई, फिर तुमने क्या किया? फिर क्या भाई, मैंने जाते ही आँख मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होना क्या, पीछे उसका भाई खड़ा था, उसके बगल में डंडा भी पड़ा था, भाई उसने मिलके इतना कूटा पूछो मत। ओहो मजा आ जाएगी कल। अरे बेटा इतना क्यों खुश हो रहे हो? कल हम माला माल होने वाले हैं। वो कैसे? कल हमारे गणित वाले टीचर पैसों को रुपए में बदलना सिखाएंगे।